हेलो एवरीवन हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर फाइन सो आज ये राइट साइड का टेबल मत देखना क्योंकि आज जो टेस्टिंग जो डेमो एन ए का टेस्टिंग चलता है सैटरडे को उसके वजह से ये डेटा पूरा अलग दिखा रहा है गलत दिखा रहा है सो so, सबसे पहले हम देख सकते हैं निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट जैसा क्लोज हुआ था फ्राइडे को थर्सडे की एक बहुत बड़ी मोमेंट के बाद सो एक्जैक्टली वी आर क्लोजिंग एट ऑल टाइम हाई अगर आप देखेंगे तो ऑल टाइम हाई किया पास क्लोज़ किया है एंड अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो मंथली वीकली डेली एवरी ट्रेंड इज अप राइट सो नाउ लेट्स लुक एट द माइनोर टाइम फ्रेम की अब हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है सबसे पहले हम कल का देखते हैं तो कल आपको याद हो तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट मार्क डाउन किया था ये एरिया है जहां पे बायर्स आ सकते हैं तो so एक्जेक्टली exactly अगर आप देखेंगे ट्वेंटी फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड ट्वेंटी के, के आसपास वहां से ऑलमोस्ट आपको हंड्रेड पॉइंट का इंट्राडे मूवमेंट बोला था तो एक वहां पे अपॉर्चुनिटी था अब फॉर टुमारो क्या अपॉर्चुनिटी है फॉर टूमोरो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड्री ट्वेंटी थ्री थर्टी मतलब राइट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये एरिया को टारगेट करना चाहिए जहां पे आपको लो रिस्क अपॉर्चुनिटी मिले ट्वेंटी फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी मोटा मोटी दैट इज द एरिया राइट

और फिर वापस ऊपर आ जाए यहां पे कहीं पर फिर ऊपर जाने की कोशिश करे तो वहां पे आई विल लुक फॉर लॉन्ग या तो यहाँ पे टिक जाए एंड फिर ऊपर जाने की कोशिश करे तो वहां पे भी आई विल लुक फॉर लॉन्ग पोजिशन लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें अगर आप ये आज का ये तो गलत कैंडल दिखा रहा है क्योंकि वो टेस्टिंग चल रहा है एन एस सी का सो so बेसिकली हम यहाँ पे क्लोजिंग किए फ्राइडे को फ्राइडे को ऑलमोस्ट 160 पॉइंट अप था बैंक निफ्टी अब यहाँ पे एच डी एफ सी बैंक का जो मंथली नंबर है उसके बाद गैप डाउन हुआ फिर फिर सेलिंग फिर पुल बैक फिर सेलिंग फिर पुल बैक राइट सो बेसिकली ये एक एरिया है जहां पे गैप डाउन जो हुआ उसके ऊपर सस्टेन हो पा रहा है जैसे यहां फिर वहां से बाइंग हो गया अगेन एंड नाउ आई थिंक आर वी रेडी फॉर ऑल टाइम हाई देर इज रेडी फॉर

मार्केट so विल uh, जब तक अगर ये रिसेंट लो जो है वन न, वो नहीं करता है तो आपको फिर मार्केट यहाँ से फिर एक next leg, फिर, एक फिर, न्सलेशन, फिर, न्सलेशन, फिर एक इस तरह से चलता हुआ दिखना चाहिए राइट सो आवर माइंड में हमारा ऐसा है बट मार्केट क्या करेगा वी डोंट नो सो वी शुड फॉलो द मार्केट एंड उसके अकॉर्डिंगली वी कैन कीप राइडिंग पोजिशन सो आपको पता चल गया होगा कि सबसे सब पहले कल फिफ्टी वन थाउजेंड के जोन में अपने को देखना है राइट नाउ लेट्स लुक एट द स्मॉल कैप स्मॉल कैप इंडेक्स अगर आप देखेंगे मंथली uh, ट्रेंड देखेंगे अप ट्रेंड इंटैक्ट है वीकली भी अप ट्रेंड इंटैक्ट है डेली भी अप ट्रेंड इंटैक्ट है महीनो ट्रेंड फ्रेम में भी अप ट्रेंड इंटैक्ट है ये एरिया को स्मॉल कैप को निकालना बहुत जरूरी है जिस तरह से निफ्टी स्ट्रेंथ दिखा रहा है आई थिंक ब्रॉडर मार्केट शुड ऑल्सो शो और ये हाई को निकाले बिकॉज दैट विल बी गिविंग अ गुड मैसेज स्मॉल कैप वॉज लीडिंग एंड इट शुड लीड राइट अगर ब्रॉडर मार्केट को तेजी कंटिन्यू रखना है तो बट अदरवाइज आप देखेंगे जो ब्रेकआउट हुआ तो उसके आसपास ही कहीं ना कहीं बहुत सारा ट्रेड किया है वजह ने इट शुड गो अप राइट जब तक नीचे का ये जोन अठारह हजार सॉरी सत्रह हजार आठ सौ सत्रह हजार पांच सौ का ये जोन है इसको ब्रेक डाउन करके सस्टेन नहीं होता है तब तक ट्रेंड इज अप ऑन ली तो उसमें कोई डिस्कशन या कोई डाउट की बात नहीं है कीप राइडिंग विनिंग पोजिशन कीप मैनेजिंग रिस्क